मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास पर एक बार फिर लुटेरों का आतंक हो रहा है। कल रात करीब 7 बजे के आसपास करीब 5 की संख्या में लुटेरों ने ट्रक चालक को लूटने की कोशिश की, मगर जिसमें से 4 फरार हो गए और एक लुटेरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल ट्रक चालक को रोक कर उसे धारदार हथियार से डरा धमका कर लूटने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच किसी ने ट्रैफिक इंचार्ज सुरेश लम्भाते को ये जानकारी दी और मौके पर ट्रैफिक विभाग के पुलिस हवलदार गणपति राकेश दावेलकर अफरोज सैयद पहुंच गए। ट्रैफिक विभाग ने बताया है कि 5 की संख्या में ये लुटेरे थे, जिसमें से 4 फरार हो गए हैं और एक को पकड़ लिया गया है। खड़ी मशीन से लेकर टोल नाके से थोड़ा सा पहले बाईपास की लाइट रात के समय बंद रहती है और रहमानी अस्पताल के पास बाईपास का जो मोड़ है वहीं पर जब ट्रक चालक यहां धीमी गति से चलते हैं तो लुटेरे ट्रक चालकों को निशाना बनाते हैं अंधेरे का फायदा उठाकर। इसी तरह एक और ट्रक वाले को लूटने की घटना 23 नवम्बर को हुई है, जिसमें 3 लुटेरे लूटने की कोशिश कर रहे थे मगर एक जहूर हसन याकूब कांचे नाम के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल महेंद्र प्रताप सिंह 43 वर्षीय ट्रक चालक को लूटने का प्रयास ये 3 लोग कर रहे थे, मगर मुमरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और 2 आरोपी फरार हो गए, जबकि एक आरोपी जहूर हसन याकूब कांचे को पुलिस ने पकड़ लिया है जो वाई जैक्सन माज होटल के पास रहता है। जहूर हसन याकूब कांचे को कोर्ट में भी पेश किया गया जहां उसे फिर जेल में भेज दिया गया। वहीं बाईपास पर खड़ी मशीन से टोल नाके से थोड़ा सा पहले ही एक भी स्ट्रीट लाइट रात के समय जलती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अब एक बार फिर मुमरा बाईपास पर लुटेरे सक्रिय हो रहे हैं जो कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।